क्या ये माइनक्राफ्ट के मॉब्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो ये दिखते कैसे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट मॉब्स के कुछ रियल लाइफ इमेजेस दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। और वीडियो के एंड में आपको वार्डन और वीदर के भी रियल लाइफ इमेज देखने को मिलेगी, और एक मिस्टीरियस मॉब की भी रियल लाइफ इमेज देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जिन मॉब्स की हम रियल लाइफ इमेजेस देखने वाले हैं वो यार हमारे ये सारे मॉब्स हैं। अब फटाफट से यार हम हमारे ज़ॉम्बी के रियल लाइफ इमेज देखते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा, देखते हमारे टास्क क्या है। हम इसके लिए एक रॉटन फ्लैश लेके आना है। कोई बात नहीं यार, वैसे रात भी होने वाली है, तो एक काम करते जल्दी से, यहाँ पर एक पेड़ है ना, इससे मैं टूल्स बना लेता हूँ, फिर रात होती जल्दी से यार ज़ॉम्बीज को पेलेंगे और यहाँ पर हमारी रियल लाइफ इमेजेस देखेंगे हमारे ज़ॉम्बी की। तो गाइस हमारे टूल्स हो चुके हैं रेडी और यार रात भी हो चुकी है, अभी यहाँ पर कोई ना कोई ज़ॉम्बी स्पॉन हो ही जाएगा। हेलो ज़ॉम्बी, अरे यार लेकिन तुझे नहीं बुलाया था मैंने, बेबी ज़ॉम्बी नहीं पसंद मेरे को, मार मत दियो, मर 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 जा। ओए नाइस, हम लोगों को रॉडन फ्लैश मिल चुका है ये। अब हम लोग देखेंगे भाई हमारा ज़ॉम्बी कैसा दिखता है रियल लाइफ में। यहाँ पर ये हॉपर है, हमें इसमें रॉडन फ्लैश डालना है, तो मैं डाल देता हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाइस यहाँ पर ये ज़ॉम्बी की रियल लाइफ इमेज आ चुका है, यहाँ पर एक नल्ला ज़ॉम्बी भी आ चुका है। तो गाइस ये ज़ॉम्बी को देखो एक बार भाई, कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जुबा केसरी करके है, पान मसाला खाने वाला ज़ॉम्बी था ये। खैर छोड़ो यार, अब हमारे नेक्स्ट मॉब की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ब्लेज है। अब इसकी बुक में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए एक लावा बकेट, खैर यार समझ भी आता है हमारा ब्लेज है, इसके लिए लावा बकेट चाहिए। बकेट लेते हैं जल्दी से, ये हमारे को बकेट मिल चुकी है हमारी, क्राफ्टिंग टेबल उठा लो। और जल्दी से मैं पहुंचता हूँ भाई उस वो नेदर पोर्टल के पास, यहीं पर था वो पोर्टल, वो रुइन पोर्टल उस साइड पे। तो गाइस मैं रुइन पोर्टल के पास आ सकूं, लेकिन यहाँ पर तो कतई प्रोटेक्शन चल रही है, ये ज़ॉम्बीज़ रुइन पोर्टल की प्रोटेक्शन कर रहे हैं भाई। वेट, हमसे पंगे ना लो, अपन पेल देते हैं। हाँ ऐसे पेला ना, मस्त जब चाहिए था तब। अरे ले लावा भी मिल गया भाई, लावा मिल गया, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं हमारा ब्लेज कैसा दिखता है रियल लाइफ में। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, फटाफट चल के यार हमारे को ब्लेज देखना है, तो उसके लिए मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर हमारी ये लावा बकेट। तो हमारा ब्लेज कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी दिख रहा है। मेरे को तो भाई बिल्कुल पता ही नहीं था कि जब ब्लेज का हेड होता है वो एक स्केलेटन का स्कल होता है। तुम ये देख रहे हो भाई, एकदम स्कल दिख रहा है ये, और भाई यार पूरे में आग लगी हुई है इसमें, कितना ज्यादा क्रेजी दिख रहा है ये, मजा ही आ गया यार इसको देख के। तो हमारे नेक्स्ट के ऊपर चलते, जो कि हमारा एक मैग्मा ब्लॉक है, इसको देखते भाई इसके लिए हमें क्या चाहिए। मेरे को लगा ही था इसके लिए हमें एक मैग्मा ब्लॉक चाहिएगा, हमारा जो मैग्मा क्यूब होता है ना, इसके लिए हमें मैग्मा ब्लॉक चाहिए। खैर यार पहले ही बता देते, उधर नेदर पोर्टल पे मैग्मा ब्लॉक्स भी लगे हैं, तो हम जल्दी से जाकर यार वो मैग्मा ब्लॉक्स भी लेके आ जाते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर डालते हैं हमारे मैग्मा ब्लॉक्स, सारे के सारे डाल देता हूँ। तो हमारा मैग्मा ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी, लेकिन यार मैग्मा ब्लॉक जैसा दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे मैग्मा ब्लॉक सब ब्लैक होते हैं और एकदम रेड है। खैर यार ये रियल लाइफ भी तो है, उसके अंदर एकदम रेड रेड दिख रहा है भाई, एकदम लावा जैसा, जैसे हमारे मैग्मा ब्लॉक में रहता है, जैसे हमारे मैग्मा ब्लॉक और मैग्मा क्यूब जैसे दिखते ना, उन दोनों का मिक्सअप दिख रहा है ये कुछ ऐसा। ये देखो इसकी दो आईज दिख रही है, और ये प्लॉप पर हमारा जो मैग्मा क्यूब होता है वो दिख रहा है भाई, कितना ज्यादा क्रेजी लग रहा है ये वाला भी। हमारे नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि स्पाइडर जॉकी है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार इसके लिए, कि एक स्पाइडर के ऊपर एक स्केलेटन बैठा हुआ कैसा ही दिखेगा। तो भाई इसके लिए भी देखते हैं हमें क्या चाहिए। तो लेट्स सी इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। हम इसके लिए एक स्पाइडर आई चाहिए और एक बोन चाहिए। यार बोन तो मेरे पास है ये रही, लेकिन हमें स्पाइडर आई की जरूरत पड़ने वाली है, और अभी भाई अभी सुबह ही है, तो अभी हमें कोई केव ढूंढनी पड़ेगी स्पाइडर के लिए। तो भाई स्पाइडर को ढूंढते हुए सुबह से रात हो चुकी है, अब यहाँ के मेरे को एक स्पाइडर मिली है, लेकिन यार ये स्पाइडर्स आई ही ड्रॉप नहीं कर रही। यहाँ पर सामने एक और स्पाइडर दिखी थी अभी मेरे को, वो रही भाई क्रीपर अंकल आप रहने दो यार, तेरी तो निकल निकल। अबे इसने भी नहीं दी, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी इतनी गंदी किस्मत क्यों है। ओ भाई मेरी एक्स टूट गई, मेरी सॉर्ड भी टूट गई, मेरी एक्स भी टूट गई, मर जा मर जा। ओ स्पाइडर आई मिल चुकी है, नाइस। क्रीपर चाचा तुम चले जाओ यहाँ से, एक मिनट मेरे को स्पाइडर आई उठा ले। तो कहाँ थी वो स्पाइडर आई, यहाँ पर थी ना, लेट्स गो स्पाइडर आई मिल चुकी है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स खड़े हैं उधर, तो मैं यहाँ तो भाई शांति से डाल देता हूँ। ये हमारी स्पाइडर आई डाल दी मैंने, और ये मैं बोन्स डाल दी। ये रहा हमारा स्पाइडर जॉकी, और भाई यार ये कितना ज्यादा क्रेजी दिख रहा है। और यार ये नेदर का सीन है, देखो यहाँ से यार लावा पूरा गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन नेदर में तो स्पाइडर ही नहीं होती, यानी ये स्केलेटन इस स्पाइडर को नेदर में किडनैप करके लेके गया था। लेकिन भाई अगर ऐसी स्पाइडर माइनक्राफ्ट में दिखने लगी ना, मेरी तो बैंड बज जाएगी कसम से भाई, कितना ज्यादा डरावनी दिख रही है ये स्पाइडर, मेरी तो बैंड बज रही। चलो यार अगले वाले पे चलते, जो कि हमारा है ज़ॉम्बी फाइड पिगलिन। खैर यार ये तो भाई प्यारा सा ही दिखने वाला है, आराम से घूमता रहता है जब तक हम इसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर इसको कुछ कहते हैं हमारी बैंड बजाए, इसके लिए हमें नेदर एग चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ चुका और मेरे पीछे दो तीन ज़ॉम्बीज पड़े, जल्दी से मैं थोड़ा सा ऐसे नेदर एग उठा लेता हूं और चलते हैं भाई यहां से, जल्दी भागो, छह नेदर एग ले लिए काफी रहेंगे। और फटाफट से यहाँ पे डालते हैं नेदर एग, सारा का सारा डाल देते हैं। तो गाइस सारा नेदर एग मैंने इसके अंदर डाल दिया, देखते हो भाई हमारा ये ज़ॉम्बी पिगलिन देखो कैसा दिख रहा है
भाई पूरी बोन्स दिख रही है यहाँ से इसकी, और भाई क्या बॉडी देखो यार, वैसे बंदे की बॉडी तगड़ी है एकदम, एब्स एब्स बना रखे हैं, लेकिन सर तो पूरा फिर भी सुअर का ही है, इंसान बन जाता है यार, क्या सुअर बन रहा है। लेकिन भाई इसकी सॉर्ड बड़ी प्यारी लग रही है, ये कौन सी सॉर्ड है माइनक्राफ्ट की? अगर यार आप लोगों को पता है तो मेरे को बताना जरूर ये कौन सी सॉर्ड लग रही है। शायद मेरे ख्याल से मेरे को तो यार ये एन्चेंटेड डायमंड सॉर्ड लग रही है, लेकिन भाई तुम तो गोल्डन सॉर्ड पकड़ते हो, यहाँ पे डायमंड सॉर्ड क्यों पकड़ के बैठा है तू नल्ले। खैर यार अपने अगले पे चलते, जो कि हमारा शल्कर बॉक्स है यार, ये हमारे बहुत हेल्प में आते हैं। अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एंडर पर्ल्स, यानी हमें एक एंडरमैन को ढूंढना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक एंडरमैन देखा तो था, तो गाइस ये रहा एंडरमैन, इसको मैं बुला लेता हूँ अपने पास। भाई बस टेलियो मत बेटे, अच्छा जल्दी फटाफट, ये लो मिल गई भाई अपन लोगों को एक एंडर पर्ल, फटाफट इसको आगे ले लेता हूँ यार। एक एंडर पर्ल प्रोबेबली काफी रहेगी यार एक शल्कर बॉक्स के लिए, जल्दी से यहाँ से मैं डालने वाला हूँ। भाई पास में मिल गया था ये एंडरमैन हमको, लेट्स गो फटाफट से यार यहाँ पर इस एंडर पर्ल को मैं डाल देता हूँ। ये लो, तो गाइस हमारा शल्कर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है इसमें किसी ने पाल रखा है, देख रहे हो वैसे ही कितना क्यूट सा लग रहा है सेंटर में इतना सा, और इसके ऊपर यार ये इतना, लेकिन भाई तू में उड़ा उड़ा के बहुत मारता है। कोई बात नहीं यार हमारे अगले पे चलते, जो कि हमारा विदर स्केलेटन, लेट्स गो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बोन चाहिए और कोल चाहिए। बोन तो यार हम लोगों को मिल जाएगी आसपास कहीं पे, कोई बात नहीं, बोन लेके आते हैं और कोल भी लेके आते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो फटाफट से यहाँ पर मैं सारी बोन्स और कोल डाल देता हूँ। तो लेट्स गो गाइस, हमारा विदर स्केलेटन कुछ ऐसा दिखता है रियल लाइफ में। भाई इसने अपनी सॉर्ड भी पकड़ी हुई है, लेकिन ये कितना ज्यादा डरावना दिख रहा है। अगर कसम से मेरे सामने आ गया ना रियल लाइफ में, मेरी तो पैंट गीली हो जाने वाली है कसम से। भाई ये बहुत ज्यादा डरावना ही दिख रहा है भाई, सबसे ज्यादा डरावना अभी तक ये दिखा है मेरे को, और ये वाला दिखा है, इससे अलावा कोई इतना ज्यादा डरावना नहीं दिखा। लेकिन अभी भाई हमारे दो सबसे डरावने वाले बच रहे हैं, दो बॉसेस हमारे। कोई बात नहीं यार, अभी हमारे को विलेजर देखना है यार कैसा दिखता है। खैर यार ये तो कैसा ही दिखेगा, नॉर्मल से ही दिखने वाला है प्रोबेबली। एमरल्ड सीएस के लिए एमरल्ड तो हमारी इन्वेंटरी में ही है, लेट्स गो 1, 2, 3। तो गाइस हमारा विलेजर कुछ ऐसा दिखता है। छी यार कितना गंदा दिख रहा है ये, इसकी नाक देखो ऐसा लग रहा है क्या, छी 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 छी। मेरे को नहीं देखना इसे, हमारे अगले पे चलते हैं भाई वार्डन के ऊपर। ये हमारा वार्डन के लिए हमें सोल लैंटर्न चाहिए, नेदर में जाना पड़ेगा। तो गाइस हमारा पोर्टल हो चुका है रेडी, फटाफट चलते हैं नेदर में और सोल सैंड लेके आते हैं। बस होप कर रहा हूँ भाई मैं कि सोल सैंड वाली बायो में मेरे को स्पॉन करवा देना। आ गया बस मैं सोल सैंड के पास तक, लेट्स गो, हमें सोल सैंड मिल चुकी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने बना ली है एक सोल लैंटर्न, अब भाई हम लोग देखने वाले कि हमारा वार्डन कैसा दिखने वाला है, लेट्स गो वार्डन के लिए। तो हमारा वार्डन दिखता है कुछ ऐसा, भाई साहब भाई ये इस धरती का नहीं है, ये कोई एलियन है पक्का। इसका मुंह देखो, इसकी आंख, भाई मैं नहीं देख रहा, मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही है, देखो मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ ही नहीं बोलता। इसके लिए चाहिए मेरे को TNT। अब TNT कहाँ से लाऊं मैं, थोड़ा सा सैंड तो चलो मिल जाएगा, वो रहा सैंड इतना सारा, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा रात का वेट करना पड़ेगा क्रीपर्स के लिए, जिससे मेरे को मिलेगा गन पाउडर। तो गाइस TNT बनाने के लिए सारा सामान हमारे पास आ चुका है, हमें TNT भी मिल चुका है, लेट्स गो। अब ये TNT डालते हैं इधर और देखते हैं हमारा विदर कैसा दिखता है, लेट्स गो। तो हमारा विदर कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब, भाई यहाँ पे स्टीव भी खड़ा हुआ है, देख रहे हो ना, ये रहा हमारा स्टीव भी खड़ा हुआ है, जिसकी विदर को देख के फट रही है बहुत बुरी वाली। और ऐसा विदर मेरे सामने आ गया ना भाई, मेरी भी फटेगी कसम से, ऐसा लग रहा भाई इसके स्कल्स के अंदर आग लगी हुई है, देख रहे हो ना तुम लोगों को भाई कैसा लगा ये मेरे को बताना जरूर। और भाई अब बारी है हमारे उस मिस्टीरियस मॉब की, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ये है क्या है। अब आता हमारा लास्ट मॉब की बारी, लेट्स गो इसमें क्या है देखते हैं। भाई इसमें लिखा है लुक अप, वहां पर कुछ है भाई, वहां कुछ है ऊपर, मेरे को वहां ऊपर तक जाना है, लेकिन मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है ना, कोई ना फटाफट से मैं ब्लॉक्स इकट्ठे कर लेता हूँ, दो सेकंड दो मेरे को। तो गाइस हमने दो स्टैक्स से भी ज्यादा डर्ट इकट्ठी कर लिया, मेरे को लग रहा है कि यार ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर है करीब। तो फटाफट से यार बिल्डअप करते और देखते हमें क्या मिलता है यहाँ पर, लेट्स गो। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुंचने और यहाँ पर एक चेस्ट रखी है, देखते हैं भाई इसमें क्या है, और मेरे पास ब्लॉक्स कम पड़ गए, रुक जाओ जरा मेरे पास, अरे हैं तो हैं यार ब्लॉक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट इधर लगा जल्दी लगा। और अब देखते भाई इलाइट्रा रखी है, मैं इस इलाइट्रा को पहन के ही नीचे जाने वाला हूँ, लेट्स गो उड़ते हुए जाएंगे। और अभी देखते हैं भाई हमारा मिस्ट्री मॉब क्या है, भाई बिल्कुल इसके वो सामने ही लैंड होने वाला हूँ मैं, ये
फटाफट से हमारी इलाइट्रा को निकालते हैं बाहर और भाई देखते हैं इसमें हमारे को क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारा मिस्टीरियस मॉब है एंडर ड्रैगन। ओ भाई कितना तगड़ा दिख रहा है ये भाई माइनक्राफ्ट भाई, ऐसे ग्राफिक्स ले आओ कसम से मजा आ जाएगा एंडर ड्रैगन फाइट में। कितना ज्यादा तगड़ा दिख रहा है यार ये, वैसा ही ब्लैक कलर का और आंखें देखो एकदम वाइट। भाई साहब क्या प्यारा दिख रहा है भाई, ऐसा ही होना चाहिए एंडर ड्रैगन तो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।